अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, क्या आपका प्यार आपसे दूर हो गया है? क्या आपका प्यार आपसे नाराज़ है? या आपका प्यार कहीं दूसरे इंसान के पास चला गया है? या कोई आपसे नफरत करने लगा है? और ऐसा कोई भी उपाय या परेशानी में आप प्यार से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सूरजमुखी का पौधा। और इस पौधे के माध्यम से आप हमेशा के लिए अपने पार्टनर को, अपने प्यार को, अपने पति को अपने ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं। अगर वो दूर हो गया है, नफरत करता है, बातचीत नहीं करता या कॉल नहीं उठाता या मैसेज भी नहीं करता, ब्लॉक कर दिया है, तो सूरजमुखी का ये उपाय जो पेड़ है, इसका सूरजमुखी का पेड़ और एक नींबू के माध्यम से आप स्त्री वशीकरण कर सकते हैं। हमेशा के लिए वो स्त्री आपकी ओर आकर्षित होगी। आप जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, नींबू है और नींबू एक ऐसी चीज है जिसको अनेक टोटकों में प्रयोग किया जाता है। नींबू, आपको एक नींबू ले लेना है। नींबू लेने के बाद आपको उस नींबू पर नाम लिखना है जिस नींबू को आपको सूरजमुखी के पौधे के नीचे जड़ के अंदर दबाना है, ताकि आपका काम जिसको वश में करना चाहते हो वो वश में हो जाए। कैसे? सूरजमुखी का जो पेड़, जो पौधा होता है, उसकी जड़ में आपको इसको दबाना है। कैसे करना है? एक तो आपको नींबू लेना है, उस पर नाम लिखना है। दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जैसे कि उस पर नाम लिखना है और उसको गैस पर जलाना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ किस तरीके से नाम लिखना है, देखिए पूरी वीडियो को। और इस तरीके से आपको नींबू पर नाम लिखना है और नींबू पर नाम लिखने के बाद उसको जलाना है। जैसे कि नाम आपने लिखा कमला, फिर उसके नीचे नाम कमला के नीचे लाइन खींचनी है, फिर जिसको अलग करना है उसका नाम, जैसे कमला को और राजा को अलग करना है, तो पहले कमला लिखो, फिर लाइन खींचो उसके नीचे, फिर लाइन के नीचे आपको राजा लिखना है। उसके बाद 9 कॉलम का आपको बॉक्स बनाना है, जिसमें सभी बॉक्स के अंदर आपको 777 आपको लिखना है सभी बॉक्सों में, ठीक है। बॉक्स में नाम लिखने के बाद जो नींबू हो उसको गैस पर चारों तरफ से जलाना है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसकी स्थिति, इसको जलाना है अच्छी तरीके से आपको, ताकि आपको मकसद में कामयाबी मिले। जलाने के बाद इसको जमीन के अंदर दबा देना है। सिर्फ इतना काम कर लीजिए, कोई भी दो लोग हमेशा के लिए अलग होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे और हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उपाय कीजिए।